I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. इरावान, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, रोते नहीं हैं। अभी आपके पिताश्री आएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? रोना नहीं, रोना नहीं। तेरी आंखें कह रही हैं, कदाचित वही हुआ जिसका मुझे भय था। क्या अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह संपन्न हो गया? हम अताश्री, मैं मानव लोक के प्राणियों से भली भांति परिचित हूं। वो जिस मिट्टी से बनाए गए हैं, उस मिट्टी में निष्ठा और प्रेम की गंधी नहीं होती। मैं पहले ही जानती थी कि अर्जुन तुझे भूल जाएगा। नहीं मां, ये सत्य नहीं है। मैं भी नागलोक की प्राणी हूं। किसी के मुख का सत्य या झूठ मेरे नेत्रों से बच नहीं सकता। मैंने अर्जुन के नेत्रों में अपने लिए प्रेम पाया है, उसकी बातों में निष्ठा की मनमोहक सुगंध पाई है। वो सब सत्य था मां, सब सत्य। उसका तनिक भी अंश झूठ नहीं था। यदि ये झूठ नहीं था तो उसने यहां से जाते ही मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ विवाह क्यों किया? तू मान या मत मान, किंतु सत्य यही है कि समस्त मानव लोक के पुरुषों की भांति अर्जुन भी रूप का लोभी है। चित्रांगदा के सुंदर रूप को देखते ही अपने वचन और बंधन को वो भूल गया। मैं ये नहीं मानती माते, आप ये मत भूलिए कि अर्जुन एक राजघराने के व्यक्ति हैं, उन्हें कई विवाह करने का अधिकार है। पर मैं ये भी नहीं मानती कि उन्होंने इस अधिकार का उपयोग केवल चित्रांगदा का रूप देखकर किया है। इसके पीछे अवश्य ही कोई कहानी छिपी हुई है। तो बहुत भोली है पुत्री, सामने जो सत्य है उसे नहीं देखती और पीछे छिपी कहानियां देखती है। इसके अतिरिक्त और क्या कहानी हो सकती है कि अर्जुन ने चित्रांगदा को देखा, उसके रूप पर मोहित हो गया और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। नहीं माते, अर्जुन का स्पर्श मैंने अपने शरीर पर अनुभव किया है और उस स्पर्श में अपनेपन का ताप था। अवश्य कोई विवशता, कोई आवश्यकता ऐसी आ गई होगी कि अर्जुन के सामने विवाह के अतिरिक्त कोई राह न रह गई हो। ऐसी क्या विवशता हो सकती है? मैं ये तो नहीं जानती कि क्या विवशता रही होगी, किंतु इतना जानती हूं कि ये विवशता चित्रांगदा ने उत्पन्न की है। और यदि ऐसा है तो चित्रांगदा को इसका मूल्य अवश्य ही चुकाना होगा। उसने मुझसे मेरा प्रेम छीना है और इसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकती। उलूपी, ताली दोनों हाथों से बजती है। माना कि चित्रांगदा का दोष अधिक है, किंतु अर्जुन का दोष भी कुछ कम नहीं, जिसने तुझे, तेरे प्रेम को और सबसे बढ़कर अपने पुत्र को भी भुला दिया। इसी बात का तो दुख है माते, लगता है चित्रांगदा ने उन पे कोई जादू कर दिया है जिसके प्रभाव से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। और ना जाने कभी वो निकल पाएगा भी कि नहीं। मैंने चाणक्य के हाथों संदेश भेज दिया है कि इरावान के वर्षगांठ पर वो अवश्य आए।
चाह चुका वो। तू अपने मन को इसी तरह झूठी सांत्वना देकर पहलाती रहे, वो तो किसी सुंदर विहार में चित्रांगदा का रूप निहार रहा होगा।